पानी भरा हुआ यार है। जाओ जाओ कांटे मत लगा लेना। पंखा बना सकते हैं हाथ का, देखिए देखिए आप। हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे, आप सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। तो चलिए चलते हैं आपको अपने खेत दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने खेतों पर, आप बने रहें वीडियो में, आपको बहुत आनंद आने वाला है। ये हमारा रोड पर प्लॉट है जिसमें पापा ने चरी कर दी है। ध्यान से आना, ध्यान से आना। खेत में तो पानी भरा हुआ है यार, पानी भरा हुआ पूरे खेत में, आज पानी लगा दिया पापा ने। क्यों राम, पानी लगा दिया है बाबा ने ना, बाबा ने पानी लगा दिया है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग खेतों में हरियाली लेने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक मोर टहलता हुआ सुबह का आनंद लेते हुए। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है यहाँ पे। तो बांस की वो नसेनी चारपाई वगैरह बनती हैं, ये वही है हमारे खेत पर लगी हुई है। आप जब भी आओ आकर ले सकते हो। देखिए दोस्तों, इनमें कुछ नए बांस भी हैं जो बड़े हो रहे हैं, यही धीरे धीरे करके काफ़ी बड़े हो जाएंगे इस तरह से, इनकी जैसे मजबूत। आ जाओ आ जाओ, कांटे मत लगा लेना, आ जाओ आ जाओ, आराम से आना। दोस्तों कांटे लगा दिए हैं खेतों पे, पहाड़ी और जो भी पशु आते हैं ना नुकसान करने के लिए, इसलिए देखो लंबे होने के कारण झुक जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कि बांस की पतली पतली डंडियों को तोड़कर हम एक पंखा बना सकते हैं हाथ का, जिसे हमारे यहाँ बीजना भी कहते हैं। आपके यहाँ पे हो तो बताना। कहाँ है आम का पेड़ ये? देखो दोस्तों, आपको दिख रही है, आम दिखाता हूँ आपको, कच्चे आम। देखिए देखिए, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, देखो कितने सारे लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, देखो एक तरफ से कच्चे आम लगे हुए हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, देखो चारों ओर ये बुर्जी खड़ी हुई है, ये हरी हरी चरी। देखिए दोस्तों, पहले भैंसे हमारी वहाँ बांसी के पास बनती थी, अब यहीं रोड के पास जगह बना ली है, वहीं बनने लगी हैं। देखा दोस्तों आपने कितना अच्छा लगा था खेत पे जाकर, अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो बताना, खेत आपको भी अच्छे लगते हैं या नहीं लगते कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।